हरे कृष्णा। गीता अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे गीता अध्ययन का पांचवा दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं भगवद गीता का पांचवा अध्याय, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। इसके पहले हमने चार अध्याय लिए हैं। पहला था अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा ज्ञान योग था, अभी ये है पांचवा कर्म संन्यास योग। जिस प्रकार से हम तीसरे अध्याय में बातें कर रहे थे कर्म योग की, ये उसी अध्याय का एक्सटेंशन है। इस अध्याय में भी भगवान कर्म योग के बारे में बताने वाले हैं और जो कर्म योगी है उसका आचरण किस प्रकार से होता है इसके बारे में भगवान विस्तृत रूप से बताएंगे। तो आपको याद होगा कि चौथे अध्याय में हमने एग्जैक्टली क्या सीखा था, और हमने वो छोटा सा फॉर्मूला दिया था KKTT। तो जो पहला के है नो अबाउट कृष्णा, तो कृष्ण के बारे में जानकारी पाइए, इजंट इट। जैसे भगवान ने कहा था कि संभवामि आत्म मायया यदा यदा हि धर्मस्य, मैं कौन हूँ, मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, राइट। इसलिए आप मेरा सुनो अर्जुन, मैं जैसे बोलता हूँ वैसा ही करो। पहले बहुत सारे मुनियों ने पूता मदभावागतः, पहले बहुत सारे मुनियों ने इस प्रकार से आचरण किया था, वो मेरे को प्राप्त हुए हैं, तू भी इस प्रकार से आचरण करेगा तो मेरे को प्राप्त होगा, राइट। तो भगवान यहाँ पे खुद के बारे में बता रहे हैं पहले पार्ट में चौथे अध्याय के। बाद में भगवान ने कर्म और कर्म योग के बारे में बताया। तो भगवान बता रहे थे ये कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म का क्या है, इस प्रकार से। बाद में हमने अलग अलग यज्ञों के प्रकार देखे। तो तीसरा जो है टी, तो वो है टाइप्स ऑफ यज्ञास। और मैंने वहाँ पे आपको ये चीज़ भी बताई कि हम जनरली सोचते हैं यज्ञ का मतलब क्या है, अग्नि और उसमें घी की आहुति डालना। नहीं, यज्ञ का मतलब हमारे जो निर्धारित कर्म है उन्हें भी करना, ये भी यज्ञ है। और हमने कई सारे प्रकार के कर्म देखे। जैसे कोई ब्रह्मचारी है और अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है तो वो भी यज्ञ कर रहा है। यदि कोई गृहस्थ है और अपने इंद्रियों का संयमन कर रहा है घर में तो वो भी एक सन्यासी है, वो भी यज्ञ कर रहा है। इस प्रकार से तो हमने द्रव्य यज्ञ देखा, दान यज्ञ देखा, तपो यज्ञ देखा, देव यज्ञ देखा, और आखिर में भगवान ने बताया कि ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। और वहाँ पे भगवान ने ज्ञान योग के बारे में, जो कि अध्याय का नाम है, उसके बारे में वहाँ पे विस्तृत वर्णन किया। और आखिर में चौथे अध्याय के आखिर में जो हमारा टी है, दैट स्टैंड्स फॉर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। अभी ये ज्ञान कैसे प्राप्त करना है उसकी भी बात भगवान ने चौथे अध्याय में बताई। अभी आप सोचेंगे ये मैं पूरा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम अगला अध्याय तो पढ़ लेते हैं परंतु पहला अध्याय भूल जाते हैं, राइट। जैसे मराठी में एक कहावत है, हम कहते हैं पुढ़ पाठ मागच सपाट, आगे का सब याद है परंतु पीछे का भूल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गीता में हर एक अध्याय जो है वो कनेक्टेड है। तो यदि आपको पिछला कुछ नहीं आ रहा है और आप कहते हैं कि आगे जाऊँ तो वो प्रॉपर नहीं रहेगा, स्पेशली जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये तो अध्ययन कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम पाँचवें अध्याय की तरफ जा रहे हैं, और चौथे अध्याय में जैसे भगवान ने बताया अर्जुन को ये आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्राप्त करना है, तो तदविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो हे अर्जुन, एक प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनको प्रश्न पूछो, और तब ऐसे गुरु आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। तो अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया, राइट। प्रश्न क्या आया? तो पहले भगवान ने कर्म के बारे में बताया चौथे अध्याय के, जैसे हमने देखा ना कर्म और कर्मयोग। जैसे भगवान ने वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर श्लोक बोला है, भगवान कहते हैं चातुर्वर्णिमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम्। तो भगवान कह रहे अपने अपने वर्णाश्रम में रहकर अपने कर्तव्य को पूरा करो और वही आपके लिए कर्म योग है। और अभी भगवान बता रहे गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाके सीखो।
तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए, भगवान कर्म करो कि गुरु के पास जाओ। अभी उस समय ऐसे नहीं था कि कोई गुरु ऑनलाइन है, गुरु के पास जाना पड़ता था और कई साल वहां पे आपको जाके इन्वेस्ट करने पड़ते थे। तो अर्जुन का प्रश्न वही है कि अभी मैं गुरु के पास जाऊं कि कर्मयोग करूं, भगवान एक चीज बताइए। और अर्जुन के प्रश्न से ही ये पांचवा अध्याय शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवद गीता का पांचवा अध्याय, कर्म संन्यास योग। हरे कृष्णा। तो अर्जुन पूछते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससी यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने पहले संन्यास के बारे में बताया, संन्यास माने यू विल हैव टू लीव एवरीथिंग, आपको सब छोड़ना पड़ेगा गुरु के पास जाना है तो। और भगवान आपने उसके पहले कहा था कर्म करो, तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूं, आप मुझे एक ही चीज बताइए जिससे मेरा श्रेय होगा। तो ये जो आने वाले श्लोक है उसमें भगवान कर्मयोग के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से कर्मयोग, जैसे अर्जुन आप कह रहे हैं ना कि कर्म करूं कि संन्यास ले लूं, तो भगवान यहां पे कहते हैं कि कर्मयोग करो। और कर्मयोग की श्रेष्ठता भगवान ने आगे कुछ श्लोकों में दी है, और इसलिए जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं उसका हमने नाम दिया है सुपीरियरिटी ऑफ कर्मयोग, कर्मयोग की श्रेष्ठता। जब हम ये डिवीजन करके पढ़ते हैं ना तो याद रहता है, राइट। जैसे कई बार हम पूरा अध्याय पढ़ लेते हैं तो कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, परंतु ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, जैसे पहले अध्याय को याद रखना है 6D से, अभी चौथा अध्याय हमने पढ़ा KKTT, ऐसे याद रखेंगे तो हाँ इसके बाद ये फ्लो है, इसके बाद ऐसा हो रहा है, इसके बाद ऐसा हो रहा है, तो पूरा चैप्टर हमें, पूरा जो अध्याय है याद आ जाता है। और इसी को अभ्यास कहते हैं, केवल सुनना और छोड़ देना इसको अभ्यास नहीं कहते। कई लोग कहते हैं कि आप ये एक एक घंटे के अध्याय क्यों बताते हैं, 5 मिनट वाला गीता सार बता दीजिए। यदि कृष्ण को भी 5 मिनट का गीता सार बताना होता तो अर्जुन को पकड़ के नहीं बैठते वो। 45 मिनट्स युद्ध भूमि पे अर्जुन को कृष्ण बता रहे थे, राइट। तो हमें भी अपना समय इन्वेस्ट करना है गीता सुनने के लिए, राइट। ऐसे नहीं कि बस हमारे पास समय नहीं है और हम केवल गीता सार सुनेंगे, नो। तो जिस प्रकार से हम जब इंजीनियरिंग कर रहे हैं 4 साल उसमें डालते हैं, जब हम MBBS या डॉक्टर की पढ़ते हैं तो हमको वहाँ पे 5 साल करने पड़ते हैं, जब हम लॉ पढ़ते हैं तो उधर भी हमें समय डालना पड़ता है, परंतु जब गीता की आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं कुछ छोटा मोटा हो तो दे दो। तो ऐसे नहीं चलता, यहाँ पे भी हमें समय डालना है, क्योंकि देखिए ये सारे जो चीज़ों के बारे में बताया मैंने, लॉ और इंजीनियरिंग और जो भी है डॉक्टर पढ़ते हैं आप, वो आपके एक जीवन के लिए उपयुक्त है, परंतु ये गीता आने वाले सभी जीवनों में आपका उद्धार कर देती है, isn't it? तो हमें ज़रूर इसमें समय लगाना है और इसका अभ्यास करना है। तो अभी देखते हैं अर्जुन का जो प्रश्न था कि भगवान एक चीज़ बताओ, आपने पहले कहा सब छोड़ दो, बाद में कहा कर्म करो, क्या करूँ मैं, राइट। तो भगवान कर्मयोग की श्रेष्ठता आगे आने वाले कुछ श्लोकों में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेय सकरावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन, संन्यास और कर्म, इन दोनों का जो लाभ है वो एक ही है, परंतु मुझे लगता है मेरे हिसाब से क्या श्रेष्ठ है, कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग विशेष है, तो आप कर्मयोग करिए। हाँ, संन्यास से मिलने वाला फायदा आपको कर्मयोग से भी मिलेगा, परंतु आपके लिए क्या श्रेष्ठ है, कर्मयोग करो। इसलिए कुछ भी मत छोड़ के जाओ, अपने कर्तव्यों को पूरा करो। आप
एक योद्धा है आप, क्षत्रिय है, तो आपका काम है युद्ध करना, वो पूरा कीजिए। भगवान आगे कहते हैं, न्यास नित्य सन्यासी योनो द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। तो अर्जुन के हिसाब से सन्यासी कौन है? जो सब कुछ छोड़ देता है वो सन्यासी। परंतु भगवान कहते हैं नहीं, नेयसनित्य सन्यासी योनो द्विष्टि न कांक्षति, परंतु ऐसा व्यक्ति भी हमेशा सन्यासी है जो अपने कर्तव्य तो करता है परंतु उनसे मिलने वाले फलों के प्रति आसक्त नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति भी सन्यासी है। सन्यासी का मतलब वो नहीं कि केवल कपड़े बदल दो और हिमालय की तरफ यू नो चले जाओ, नहीं। नियसनित्य सन्यासी योनो द्वेष्टि न कांक्षति, जो अपने कर्मों का द्वेष नहीं करता और ना ही कर्म फलों की आकांक्षा करता है, तो कोई भी कर्मों से वो भागता नहीं और ना ही जो कर्म फल मिलने वाले हैं उससे कोई वो यू नो इच्छा नहीं रखता। निर्द्वंद्वो, वो सारे द्वंद्वों से पार है, सुख दुख मान अपमान ये सारे जो द्वंद्व है इस भौतिक जगत के उनसे वो मुक्त है। सुखम बद्धान प्रमुच्यते, और ऐसा ही व्यक्ति सारे सुख को प्राप्त कर सकता है, सारे बंधन से ये मुक्त हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं, सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। बालः, जो लोग अनुभवी नहीं हैं, जो बच्चे हैं, वही समझते हैं कि सांख्य योग माने अभ्यास, राइट, और कर्मयोग अलग अलग है। परंतु जो पंडित है, जो ज्ञानी है, उसे ही पता होता है कि सांख्य योग करने से जो मिलने वाला लाभ है वही लाभ कर्मयोग करने से भी मिलेगा। तो अर्जुन ऐसा मत सोचो कि आप सब छोड़ देंगे, संन्यास लेंगे और बाद में जाके ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा, ज़्यादा लाभ होगा, नहीं, कर्मयोग से भी उतना ही लाभ होगा। तो आपके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। भगवान आगे कहते हैं, एतत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि मन्गम्यते एकम् सांख्यम् च योगम् च यह पश्यति स पश्यति। जो व्यक्ति समझता है कि सांख्य योग को फॉलो करने से और कर्म योग को फॉलो करने से एक ही फल मिलने वाला है, यह पश्यति स पश्यति, वही व्यक्ति असल में देखता है। भगवान आगे कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, संन्यास आपके लिए कठिन हो सकता है और इससे आपको दुख मिल सकता है, आपके लिए बेहतरीन यही होगा कि कर्म करिए। और भगवान कहते हैं न चिरेणाधिगच्छति, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति, आपको तुरंत ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। संन्यास आपके लिए कठिन हो सकता है, दुख मिलेगा आपको, राइट। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अर्जुन कर्मयोग बेहतरीन है, कर्मयोग बेहतरीन है, कर्म आपके करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भगवान क्या कहते हैं कर्मयोगी के बारे में, राइट। तो हम अभी देखेंगे सिम्टम्स ऑफ द कर्मयोगी। पहले हमने देखा सुपीरियरिटी ऑफ कर्मयोग, राइट, कि किस प्रकार से कर्मयोग संन्यास से भी श्रेष्ठ है, राइट। तो कर्मयोग का मतलब क्या है? भगवान की सेवा करना, जो भी हम कुछ करेंगे वो भगवान को अर्पित करना, राइट, जो भी कुछ करेंगे वो भगवान के लिए करना, और यही कर्मयोग है। अभी हम देखेंगे कि जो कर्मयोगी है उनका आचरण क्या होता है।
तो पहला एस था कर्मयोग की श्रेष्ठता, अभी हम देखेंगे दूसरा एस, ये कर्मयोगी के सिम्टम्स, आचरण उसका कैसा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा, ऐसा व्यक्ति हमेशा भगवान की सेवा में युक्त रहता है। विशुद्धात्मा, उसका मन शुद्ध है। विजितात्मा, अपने मन के ऊपर उसने काबू पा लिया है। जितेन्द्रियः, अपने इंद्रियों को संयमित किया है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, किसी से द्वेष नहीं करता, वो सारे जीवों से वो प्रेम करता है और सारे जीवों को वो व्यक्ति प्रिय है। ऐसा व्यक्ति यदि सारे काम भी करे ना, तो वो अपने कर्म बंधन में नहीं फंसता। हमने तीसरे अध्याय में एक चीज को देखा था कि जो भी कुछ करेंगे उसका फल भुगतना पड़ेगा। कर्म कर्म फल, और एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कुछ भी करेंगे तो रिएक्शन आएगा। परंतु कर्मयोगी को रिएक्शन नहीं आता, कर्मयोगी को कर्म फल नहीं मिलता, क्योंकि हमेशा भगवान की सेवा में वो लगा रहता है। कुछ भी करेगा तो वो भगवान के लिए करता है। आपको याद होगा हमने एक फौजी का एग्जाम्पल लिया था, राइट। फौजी कई सारे आतंकवादियों को तो मारता है, परंतु उसे जेल नहीं जाना पड़ता, उसे रिवॉर्ड मिलता है। उसी प्रकार से भक्त जो भी कुछ करता है उसका उसे रिवॉर्ड मिलता है भक्ति के रूप में। आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं और ये कर्मयोगी के बारे में। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्नेव तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गश्यन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निशन् निमिशन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो जो कर्मयोगी होता है उसे पता होता है कि शरीर और आत्मा भिन्न है। जो अलग अलग क्रियाएं शरीर के द्वारा की जा रही है उसमें से तो आत्मा विभक्त है। क्रिया कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, आत्मा नहीं कर रहा। और ये जानता है और इसलिए वो सारे कर्म फलों से मुक्त होता है। क्या क्या करता है वो यहाँ पे बताया है। पश्यन, सुनता है। श्रुण्वन, पश्यन माने देखता है। श्रुण्वन, सुनता है। स्पृशन, स्पर्श करता है। जिघ्रन माने सुगंध लेता है। अश्नन खाता है। गच्छन जाता है। स्वपन सपना देखता है या सोता है। श्वसन श्वास लेता है। ये सारे शरीर की क्रिया तो वो कर रहा है, परंतु इन क्रियाओं से वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये सारी क्रिया शरीर के द्वारा हो रही है, मैं तो इन सारी क्रियाओं से अभिन्न हूँ, राइट। परंतु जो व्यक्ति सोचता है मैं ये शरीर हूँ, ये सारी क्रियाएं मैं कर रहा हूँ, वही कर्म बंधन में फंसता है। तो जो कर्मयोगी है ये सारी क्रियाओं से हमेशा अनासक्त रहता है। भगवान आगे कहते हैं कि किस प्रकार से ये व्यक्ति अनासक्त रहता है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में तो होता है परंतु पानी से कभी आसक्त नहीं होता। आपने देखा होगा कमल के पत्ते के ऊपर कभी पानी नहीं ठहरता। कमल का पत्ता पानी में होता है परंतु फिर भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी टिक नहीं सकती। उसी प्रकार से जो कर्मयोगी है
कर्म तो करता है, कर्म फल की एक बूंद भी उसे प्रभावित नहीं करती, राइट। उसे कोई भी पाप प्रभावित नहीं करता, उसे कोई भी पाप नहीं लगता, वो सब कुछ कर रहा है परंतु फिर भी उसे कोई भी पाप नहीं लगता। भगवान आगे कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। क्यों उसे कोई भी प्रकार का कर्म नहीं लगता? क्योंकि आत्मशुद्धये, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने बुद्धि से वो कार्य कर रहा है परंतु फिर भी उसे कर्म बंधन में नहीं फंसना पड़ता, क्योंकि जो भी कुछ करता है आत्मशुद्धये, खुद की शुद्धि के लिए और भगवान की सेवा के लिए करता है। तीसरा, उसके जीवन में कोई पर्पज ही नहीं होता, वो खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग कार्यकलाप नहीं करता परंतु केवल आत्मशुद्धये, खुद के शुद्धिकरण के लिए वो ये सारी चेष्टाएं करता है। भगवान आगे कहते हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त कामकारेण फलीसक्तो निबध्यते। युक्त, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है, कर्म फलम त्यक्त्वा, जिसने अपने कर्म फलों की आसक्ति छोड़ दी है, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। कौन शांति को प्राप्त कर सकता है? जो भगवान की सेवा में रत है और जिसने सारी आसक्तियां छोड़ दी है। और कौन शांति को प्राप्त नहीं कर सकता? अयुक्त हो, माने जो भगवान की सेवा में रत नहीं है, कामकारेण, खुद की इच्छा आकांक्षा पूरी करने के लिए जो कर्म कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। फले सक्तो निबध्यते, और क्या होता है, अपने ही कर्म बंधन में वो फंस जाता है। तो हमने एक चीज़ तो यहाँ पे समझी कि जो भी कुछ करेंगे भगवान के लिए समर्पित भावना से करिए, और यदि हम खुद के लिए करेंगे तो फंस जाएंगे। सर्वद्वाराणि मनसा सन्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। ऐसा कर्मयोगी जिसने अपने मन को और अपनी इंद्रियों को संयमित किया है, ऐसा कर्मयोगी इस 9 दरवाजे वाले शरीर में सुख से रह सकता है, राइट। तो यदि हमें इस जीवन में सुखी रहना है, इस शरीर में सुखी रहना है, तो हमारे सारे कार्यकलापों को, सारी चेष्टाओं को भगवान के लिए समर्पित करना है। खुद के लिए करेंगे तो दुखी रहेंगे, isn't it? अभी आगे बढ़ते हैं, आगे भगवान आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भगवान आगे आने वाले कुछ श्लोकों में बताएंगे। तो हमने अभी 2 सेक्शन कंप्लीट किए इस अध्याय के। तो पहले सेक्शन में हमने देखा कि किस प्रकार से जो कर्मयोग है वो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान बता रहे हैं। संन्यास से भी श्रेष्ठ ये कर्मयोग है। संन्यास लोगे तो दुख पाओगे, कर्मयोग करो भगवान तुरंत ही तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। बाद में भगवान ने कर्मयोगी के बारे में बताया कि किस भावना में कर्मयोगी करता है काम, अनासक्त होकर वो काम करता है और इस 9 गेट वाले शरीर में सुख से रहता है। अभी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारा तीसरा एस इस अध्याय में है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, भगवान कहते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो शरीर के भीतर जो आत्मा है, न कर्तृत्वम, वो कुछ कर्म नहीं करता और ना ही किसी को कर्म करने के लिए प्रभावित करता है। ये जो आत्मा है सर्वथा मुक्त होता है सारे क्रियाकलापों से। तो कर्म कौन करता है? ये सारे कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किए जाते हैं,
तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि आप यदि सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने सब किया, तो आप कुछ नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? प्रकृति के तीन गुण ये सारे कार्य कर रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके बारे में डिटेल में चर्चा हम 14वें अध्याय में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, भगवान क्या कहते हैं देखते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो अभी किसी के मन में प्रश्न आया होगा, आपने कहा हम कुछ नहीं करते, माने आत्मा कुछ नहीं करती, तो फिर हम अपने कर्म फलों से क्यों गुजरते हैं, हमें पाप क्यों भोगना पड़ता है, हमें पुण्य क्यों भोगना पड़ता है? भगवान यहाँ पे उत्तर देते हैं, अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो अज्ञान के प्रभाव से कोई भी आत्मा इस शरीर को अपना मान बैठता है और इस अज्ञान से वो विविध कार्यकलापों में जुट जाता है, वही उसके दुखों का कारण है। भगवान उसके दुखों का कारण नहीं है। जैसे हमने पहले कहा कि आत्मा शरीर से अलग है और जो सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं वो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा हो रहे हैं, तो कोई भी कहेगा प्रकृति तो भगवान के आदेशानुसार चलती है, तो सारे भी बुरे कर्म यहाँ पे हो रहे हैं उसके कारण तो भगवान है। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं इन सब का कारण नहीं हूं, इन सब का कारण क्या है? अज्ञान। क्योंकि ये अज्ञान आपके ज्ञान को ढकता है और आप खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए विविध प्रकार के कार्यकलाप करते हैं और वही आपके दुखों का या सुखों का कारण है। मैं किसी को पाप नहीं देता और ना ही किसी के पुण्य ग्रहण करता हूं, मैं तो हमेशा इससे सर्वतः मुक्त हूं। भगवान आगे कहते हैं, ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशीत आत्मनः, तेषां आदित्वज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है अर्जुन। जिस प्रकार से सूरज के आते ही प्रकाशयति, सारी चीजें दृश्यमान हो जाती है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, तो जैसे ही सूरज आता है सब चीजें दिखने लग जाती है। उसी प्रकार से जब आध्यात्मिक ज्ञान का उदय होता है सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। सारे दुखों का कारण क्या था? अज्ञान। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, इस अज्ञान के कारण सारे जीव भुगत रहे। परंतु जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान का उदय होता है सारी चीजें जैसी है वैसी दिखनी लग जाती है। इसलिए अर्जुन तुम ये आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करो। भगवान आगे कहते हैं, तद्बुद्ध्या तदत्मानं तत्निष्ठा तत्परायणः, गश्यन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननेरतुतकल्मषा। जिसने अपनी बुद्धि, जिसने अपना मन, जिसने अपने सारे क्रियाकलाप, जिसने अपने सारे कर्म भगवान को दे दिए हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं इस ज्ञान के बारे में, ये ज्ञान क्या है, इसकी विशेषता क्या है, बेसिकली बता रहे हैं। हमने आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में देखा, अभी इसकी विशेषता क्या है। जैसे भगवान ने अभी बताया था कि सूरज आने के बाद सारी चीजें प्रकाशित हो जाती है, इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान आने के बाद हमें जो चीज़ें हैं वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में दिखने लग जाती है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म क्या है, क्या है ये जैसे के वैसे देखना, तो इसके बारे में भगवान आगे बता रहे हैं कि ये आध्यात्मिक ज्ञान आने के बाद क्या होता है। भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्रुपाकेच पंडितः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने, जो व्यक्ति विद्या से और विनय से संपन्न है वो व्यक्ति क्या करता है, वही व्यक्ति एक्चुअली पंडित है। जैसे
पंडित की व्याख्या यदि किसी को पूछी जाए तो वो कहेंगे जो तिलक लगाता है, जिसके गले में वो जनुआ है, जिसके शिखा है, जिसको बालों में शिखा है, जो धोती पहनता है, कुर्ता पहनता है, वो पंडित है। तो हम व्यक्ति को बाह्य दृष्टिकोण से देखते हैं। हाँ, ऐसा व्यक्ति पंडित है, पर तो भगवान कहते हैं नहीं, पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन है? जो सबको एक ही दृष्टिकोण से देखता है, जो हर एक के दिल में परमात्मा को देखता है। ये उस ज्ञान का प्रभाव है। इस ज्ञान का प्रभाव क्या है? आपको चीजें जैसी है वैसी दिखने लग जाती हैं, उसके मूल स्वरूप में दिखने लग जाती है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है, ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव श्वपाके च। तो ये जो पंडित व्यक्ति है, ये जो असल में ज्ञानी व्यक्ति है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ब्राह्मणे, वो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, एक चंडाल को और एक कुत्ते को समान दृष्टि से देखता है। वो ऐसा नहीं देखता ये गाय है, ये कुत्ता है, चीज नहीं, वो सबको रिस्पेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि सबके दिलों में वो परमात्मा को देखता है। और ये पंडित का एक लक्षण है, पंडिता समदर्शिना, राइट। यही इंटेलिजेंट व्यक्ति है। इंटेलिजेंट व्यक्ति वो नहीं कि जिसके पास काफी सारी डिग्रियां हैं। पंडित, इंटेलिजेंट माने वो व्यक्ति जो सबको समान दृष्टि से देखे, राइट। चाहे वो चंडाल हो या ब्राह्मण हो या चाहे कोई भी जानवर हो, क्योंकि वो हर एक के दिलों में परमात्मा को देखता है, राइट। जैसे इमेजिन कीजिए, विचार कीजिए कि इस पृथ्वी के ऊपर जो भी लोग हैं, वो सबको इस दृष्टि से देखने लग जाए कि अरे हाँ, इसके दिल में भी, हृदय में भी परमात्मा है, तो इसे भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसके भी दिल में, उसको भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो ये पृथ्वी कितनी बदल जाएगी, isn't it? सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ खुशहाली में सब लोग रहने लग जाएंगे। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम किसी के भी हृदय में परमात्मा को नहीं देखते। हम देखते ये काला है, ये गोरा है, हम तो केवल शरीर को देखते हैं भाई, ये शरीर को हम ना ही आत्मा को देख पाते और ना ही परमात्मा को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए कहा गया है, ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करिए, जिससे आपकी चेतना में, जिसके आपके, जिससे जिसके आपके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। और ये बेनिफिट है आध्यात्मिक ज्ञान का। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड है, माने जिसने भगवान को प्राप्त किया है, जो आत्मसंतुष्ट ऐसा व्यक्ति है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान का अनुभव हुआ है, जिस व्यक्ति में ये ज्ञान है, उसके सिम्टम्स क्या है, वो कैसे आचरण करता है, उसके लक्षण क्या है, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो आप कहेंगे इतने सारे लक्षण क्यों बता रहे, इतने सारे आचरण ये क्यों बता रहे? तो हमारा ये एस्पिरेशन होना चाहिए कि हमें भी ऐसे ही बनना है। तो इसलिए भगवान डिस्क्रिप्टिवली बता रहे, नहीं तो बता देते ना कि ऐसा होता है, वो आत्मसंतुष्ट व्यक्ति ऐसे होता है, बस नहीं, बहुत सारे श्लोक बताए हैं भगवान ने। तो देखते हैं कि भगवान इस आत्मसंतुष्ट व्यक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं। तो हमारा जो चौथा एस है, दैट स्टैंड्स फॉर सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, इसने अपने आप को पहचान लिया है। ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है और वो कैसे रहता है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान क्या कहते हैं? न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य, नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियं, स्थिर बुद्धिर असमूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थितः। जो व्यक्ति उसे कुछ प्रिय प्राप्त हुआ तो खुश नहीं हो जाता, ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं चाहिए था वो प्राप्त हुआ तो दुखी नहीं हो जाता, राइट। ये व्यक्ति हमेशा असमूढ़ हो, सारे द्वैत से
परा है। ऐसा ही व्यक्ति आने वाले कुछ ही समय में भगवान को प्राप्त कर लेता है। अभी हमारी बात करें तो हमारे पास कुछ आ जाता है जो हमें चाहिए था तो खुशी होती है, जो नहीं चाहिए था वो आता है तो दुख आ जाता है। परंतु जो आत्मवित पर्सन है, व्यक्ति है, सेल्फ रियलाइज्ड है, वो जीवन के सारे सिचुएशन में, यहाँ पे लिखा है स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ हो, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, विचलित नहीं होती। अरे ये क्या प्राप्त हो गया, ये नहीं चाहिए था, अरे ये क्या प्राप्त हो गया, यही चाहिए था, नहीं, स्थिर लाइक दैट। तो ऐसे ही व्यक्ति को कुछ आने वाले समय में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और देखते हैं कि इस ऐसे व्यक्ति के बारे में, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति के बारे में भगवान क्या कहते हैं। बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। तो ऐसा व्यक्ति बाह्य इंद्रिय तृप्ति में इतना ध्यान नहीं देता, वो ये नहीं देखता कि मैं आंखों से क्या सुख प्राप्त करूं, नाक से क्या सुख प्राप्त करूं, कान से क्या सुख प्राप्त करूं, नहीं, वो इंद्रिय तृप्ति में जरा सा भी रस नहीं लेता। विंदंती आत्मनियत सुखम, तो सुख कहां पे लेता है भाई, वो सुख अंदर लेता है, खुद की आत्मा में ही वो सुखी रहने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति सुख को बाहर नहीं ढूंढता परंतु खुद की आत्मा में ढूंढता है, परमात्मा में ढूंढता है, खुद के अंदर ढूंढता है, वही व्यक्ति सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा ही व्यक्ति जीवन में सारे सुख को प्राप्त कर सकता है। जनरली हमको क्या बताया जाता है, क्या सिखाया जाता है, चीजें प्राप्त करो, सुख उसमें है, सुख यहां है, सुख वहां है, नहीं, सुख यहां है, सुख हृदय के भीतर है, और हृदय के भीतर उस सुख की अनुभूति करने का प्रयास करो अर्जुन, और यदि आप कर पाए तो सुखम अक्षय में अश्नुते, ऐसा सुख मिलेगा जो कि कभी नष्ट ही नहीं होगा। तो ऐसे सुख लेने की प्रयास करो। भगवान आगे कहते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौंतेय नते शूरमते बुधः। ये ही संस्पर्श जा भोगा, जो सुख स्पर्श से उत्पन्न होता है। मतलब क्या, मतलब जैसे आपको पता है ये हमारी पांच इंद्रियां हैं, और ये पांचों इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में घूमती रहती हैं। जैसे आंखों को कुछ अच्छा देखना है तो आंखों के लिए विषय क्या है, जस्ट इमेजिन करिए मूवी, तो आंख जब मूवी के संपर्क में आते हैं स्पर्श, तो एक सुख की अनुभूति होती है, अरे वाह क्या जबरदस्त मूवी है यार। जिह्वा के लिए विषय क्या है, लेट अस से आइसक्रीम, जैसे ही जिह्वा और आइसक्रीम का संयोग हो जाता है, वाह, तो एक सुख की अनुभूति होती है। भगवान कह रहे हैं दुखयो नय एवते, अरे ये सुख नहीं है, ये दुख की योनि है, यहां से दुख ही आएगा। कुछ समय के लिए हमें लग सकता है कि हाँ आनंद आ रहा है, परंतु ये कुछ समय ही रहता है, और दुख ज्यादा समय रहता है, समझ रहे। तो भगवान कहना चाहते हैं कि जो सुख है वो वस्तुओं में नहीं है। देखिए मैं वही चीज दोहराने की बात कर रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भगवान कह रहे हैं सुख को बाहर मत ढूंढिए, सुख नहीं मिलेगा। यदि सुख बाहर होता ना तो सिकंदर भी खुश होता, परंतु वो दुखी था मरते समय, हम सबको वो कहानी पता है। लेकिन यदि उसके पास इतनी सारी चीजें थी तो सुखी होना चाहिए, परंतु नहीं, दुखी था। क्यों? क्योंकि वो एक चीज भूल गया कि सुख चीजों में नहीं है, सुख हृदय में है, सुख परमात्मा में है, सुख भक्ति में है। तो वो तो सुख को बाहर ही ढूंढते रह गया,
और बाहर की चीज़ें कैसी है, एक दिन आपसे छीन ली जाएगी, आप थोड़ी हमेशा रखने वाले हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति कहता है अरे आईफोन ले लूँगा तो खुश हो जाएगा, क्या वो आईफोन उसके साथ हमेशा के लिए रहेगा? छीन लिया जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा कुछ समय बाद, और उसके बाद क्या दुखी हो जाएंगे? हाँ, इसलिए कहा ना दुखयो नये एवते, ये सारी चीज़ें जो है जिसमें आप सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन वो आपको दुख देगी। इसलिए न तेषु रमते बुधा, जो असल में बुद्धिमान व्यक्ति है ना, ऐसी चीज़ों में न रमते, आनंद नहीं ढूंढता, क्योंकि उसे पता है आद्यंत इन सारे सुखों का आदि भी है और इन सारे सुखों का अंत भी है। हमें ऐसा नहीं सुख चाहिए, हमें कैसा चाहिए? सुखम अक्षयम अश्नुते इटर्नल ब्लिस, वो कहाँ पे है? आत्मनि, हृदय के भीतर है। आगे बढ़ते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भव वेगम संयुक्त सुखी नरः। यदि कोई व्यक्ति अपने काम को और अपने क्रोध को कंट्रोल करने में सफल रहा, स सुखी नरः। जो व्यक्ति भगवान में युक्त है, भगवान की सेवा में युक्त है, और जो व्यक्ति काम को और क्रोध को कंट्रोल करता है, ऐसा ही व्यक्ति सुखी रह सकता है। वो व्यक्ति सुखी नहीं रहता जो अपने काम को फुलफिल करने की कोशिश करता है, जो अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। कौन सुखी रहता है? जो अपने काम को और क्रोध को कंट्रोल करता है, जो भगवान की सेवा में रहते हैं। स सुखी न रहो, ऐसा व्यक्ति सुखी रहेगा। तो अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे, राइट। अभी हमने देखा आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, राइट, कि आध्यात्मिक ज्ञान का फायदा क्या है और कैसे व्यक्ति अपना जीवन जीता है यदि उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया है तो, राइट। तो हमने वो देखा। अभी हमारा अगला सेक्शन है, अगला एस है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड माने आध्यात्मिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत में कौन जा सकता है? आध्यात्मिक ज्ञान की बातें हमने की, अभी आध्यात्मिक जगत की हम बातें करेंगे कि कौन व्यक्ति है जो इस आध्यात्मिक जगत में जाने के लायक होता है, उसके गुण क्या है, उसके बारे में भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं यो अंतः सुखोंतरा रामम तथांत ज्योतिर एव यः सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति योन्तः सुखोंतरारामा। जो व्यक्ति सुख को बाहर नहीं ढूंढता, काइंड ऑफ सेम श्लोक हमने पहले भी देखा ना, तो सिमिलर श्लोक है कि जो व्यक्ति, कौन व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में जाता है? जो व्यक्ति सुखों को बाहर नहीं ढूंढता परंतु अंदर ढूंढता है, जिसका लक्ष्य अंदर है, हृदय के भीतर है, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम, राइट, ऐसा ही व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान आगे कहते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृषया क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हितेरतः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, तो कौन है ऐसा व्यक्ति जो भगवान के पास जा सकता है? सर्वभूत हितेरतः, जो सबकी सेवा करता है, राइट। और कहा है यतात्मानः, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है, क्षीण कल्मषः, जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, छिन्न द्वैधा, जो सारे द्वैत से मुक्त है, सारे ड्युअलिटीज से मुक्त है। द्वैत माने क्या, जिसकी चर्चा हमने देखी ना, द्वैत माने दो चीजें, इस भौतिक जगत में दो चीजें हैं, सुख
दुख, दिन रात। हमें कोई भी चीज इस भौतिक जगत में एक नहीं है, उसका अपोजिट भी इस जगत में अवेलेबल है, मान अपमान, स्तुति निंदा। आपकी यदि कोई स्तुति कर रहा है ना, कल जाके कोई आपकी निंदा करेगा। परंतु जो व्यक्ति इस द्वैत भाव से मुक्त है, जिसे पता है सुख आया है तो दुख भी आएगा, मान मिला है तो एक कोई आके अपमान भी करेगा, ये जिसे पता है, ऐसा ही व्यक्ति नजदीकी काल में ब्रह्म निर्वाण भगवान को प्राप्त करेगा। तो बेसिकली हम चर्चा कर रहे हैं ना अभी, कि आध्यात्मिक जगत में कौन कौन जाएगा, व्यक्ति के गुण क्या है, तो ये हम अभी हम चर्चा कर रहे हैं उन सारी गुणों की। और चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग भी उन गुणों को एस्पायर करें, हमें भी ये गुण चाहिए, राइट। भगवान आगे कहते हैं, काम क्रोध विमुक्ता नाम यतीनाम यतचेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मना। काम क्रोध विमुक्तानाम, जो काम से क्रोध से सारी कामनाओं से मुक्त है, ऐसा ही व्यक्ति भगवत धाम जाता है। भगवान आगे कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुषैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिया मनो बुद्धिर्मुनिमोक्ष परायणः विगतेशाभय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। जो व्यक्ति अपने मन बुद्धि इंद्रियों को संयमित करता है, और जो व्यक्ति मोक्ष को ही अपना लक्ष्य बनाता है, जो व्यक्ति काम क्रोध भय से मुक्त है, ऐसा ही व्यक्ति मेरे ब्रह्म को माने भगवान को वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो हम बेसिकली अलग अलग गुण देख रहे थे उस व्यक्ति के जो भगवत धाम में जाने के लायक है, isn't it? अभी जो आखिरी श्लोक है उसमें भगवान शांति का मार्ग बता रहे हैं, राइट। अभी जो हमने देखा पिछले 3-4 श्लोक हमने देखे, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में जाके जाने के कौन लायक है। अभी आखिरी श्लोक में 5वें अध्याय काफी छोटा है, 5.29 और केवल 29 श्लोक उसमें है। तो ये 29वें श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसे नहीं कि आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद ही आपको शांति मिलेगी, नहीं, मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ, मैं कुछ आचरण की पद्धतियाँ बता रहा हूँ, वैसा आचरण करोगे तो यहाँ पे भी आपको शांति मिलेगी। और शांति कौन नहीं चाहता, और इसलिए इस फाइनल श्लोक को प्रभुपाद कहते हैं द पीस फॉर्मूला, शांति का सूत्र। शांति का सूत्र ये नहीं है कि चीजें पाओ और आनंद आएगा, शांति आएगी, नहीं। तो शांति का सूत्र क्या है, कई लोग सोचते ना कि मुझे ये मिल जावे, मुझे वो मिल जावे तो जिंदगी में शांति आ जावे, नहीं। क्या करने से शांति आएगी, भगवान इस श्लोक में कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृष्यति। भोक्तारं यज्ञ तपसां, सारे यज्ञों का, सारे तपस्याओं का, इनफैक्ट सारी चेष्टाओं का भोक्ता मैं हूँ। जब आप लोग सारी आपके सारे क्रियाकलापों को, सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करोगे तो ही शांति मिलेगी। जब तक आप खुद की इच्छा कामना वासना पूरी करने की कोशिश करेंगे, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया भगवान ने, राइट। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को क्यों करते हैं, हमें आनंद चाहिए होता है। भगवान कहते हैं नहीं, सारी चीजों को मेरे प्रति समर्पित करो, कर दो।
अब जो भी कुछ करोगे मेरे लिए करो, उससे ही आपको सुख मिलेगा, उससे ही आपको शांति मिलेगी। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, अरे मैं ईश्वर हूं सारे लोगों का और सारे लोकों का, लोगों का भी और लोकों का भी। लोक माने अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग ग्रह, जैसे हेवनली प्लैनेट्स है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक वगैरह वगैरह बहुत सारे लोक है ना, विद्याधर लोक, चारण लोक, नाग लोक, गंधर्व लोक, किम पुरुष लोक, किन्नर लोक, बहुत सारे लोक हैं। भगवान कहते हैं सारे लोकों का परमेश्वर मैं हूं, राइट। तू परमेश्वर बनने की कोशिश मत कर। देखिए ना, ये हमारा स्वभाव होता है कि हम जहां पे भी जाते हैं हमारा प्रभाव प्रस्थापित करने की कोशिश करते हैं, मैं यहां का लीडर हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं राजा हूं। तो जब तक हम ये चीज करेंगे, मैं भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व करने की कोशिश करेंगे, दुख ही रहेंगे। हमको लगता है कि हम प्रभु बन गए, माने कंट्रोलर बन गए कोई चीज के, कोई चीज के लीडर बन गए, तो हम खुश हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। भगवान कहते नहीं, आप क्या करिए, एक चीज समझिए, आप कुछ नहीं है, मैं ही हूं सर्वलोक महेश्वरम। तो ये दो चीज समझने, पहले समझना है कि जो भी कुछ कर रहे हैं उसके भोक्ता हम नहीं है, वी आर नॉट द एंजॉयर। दूसरा था, वी आर नॉट द कंट्रोलर। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही दुखी रहेंगे, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो। जिसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे दुखी रहेंगे, क्योंकि कंट्रोलर एक ही है, कृष्ण। वो यदि कंट्रोल करेंगे तो हम खुश रहेंगे, पर जितना हम दूसरों के ऊपर प्रभुत्व बनाने की कोशिश करेंगे, द मोर वी ट्राई टू यू नो लॉर्ड इट ओवर मटीरियल नेचर, भौतिक जगत के ऊपर हम सत्ता प्रस्थापित करने की जब तक हम कोशिश करते हैं हम दुखी रहते हैं, क्योंकि सत्ता प्रस्थापित भगवान की ऑलरेडी है। हम भगवान को चैलेंज करना चाहते हैं क्या? चैलेंज करेंगे तो दुखी रहेंगे। रावण ने चैलेंज किया, हिरण्यकशिपु ने चैलेंज किया, हिरण्याक्ष ने चैलेंज किया, नहीं, यहाँ का हीरो मैं। क्या हो गया उनका? चैलेंज। परंतु जो भगवान की महानता को स्वीकारता है वही व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। तीसरा, तो पहले हमने देखा कि सारे भोक्ता, he is the enjoyer, दूसरा देखा he is the controller, और तीसरा बहुत important, he is the lover। एक चीज समझ लीजिए, भगवान हम सब से प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान ने कहा सुहृदं सर्वभूतानां, मैं आपका दोस्त हूं, राइट, आपका सखा हूं, सुहृद, एकदम जिगरी यार हूं मैं आपका। और ये चीज आप जब समझते हैं तो ही आप सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। कई बार हम दुखी क्यों होते पता है? हम सोचते हैं कि अरे हमारे मैं किसके साथ अपना मन खाली करूं, मैं किसके साथ बोलूं, मेरा कोई नहीं है, ना मेरी माता पिता, ना मेरा कोई दोस्त है। कृष्ण कहते नहीं, मैं हूं तुम्हारा सुहृदा, तुम्हारा जिगरी दोस्त मैं हूं, मेरे साथ बात करिए, मुझे अपने प्रॉब्लम बताइए और देखो मैं आपको कैसी हेल्प करता हूँ। तो जब हम कृष्ण को अपना दोस्त मानने लग जाते हैं, हमारी समस्याओं का निराकरण वही हो जाता है, क्योंकि कृष्ण सुहृद है, हमारे सबसे जिगरी दोस्त हैं। और ये जब तीन चीजों को हम जानते हैं तो क्या होता है, शांति मृष्यति, तो हमको शांति मिलती है। और अभी के हमारी कंडीशन देखेंगे तो हम अशांत हैं, है कि नहीं? बाहर से सुखी दिखेंगे परंतु हृदय खोखला है, there is nothing substantial inside, isn't it? परंतु जब हम ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, भगवान के लिए प्रेम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा हृदय
कृष्ण के लिए जो हमारा प्रेम है उससे भर जाता है, और तभी ये सारे चीज़ों की अनुभूति हमें धीरे धीरे होने लगती है। तो हमने आज पढ़ा है पांचवा अध्याय, जिसका नाम था कर्म संन्यास योग। भगवान ने कर्मयोग के बारे में बताया था इस अध्याय में, और संन्यास के बारे में भी बताया था। तब तो भगवान ने पहले ही कह दिया था कि कर्मयोगात विशिष्यते, कर्मयोग आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो आप कर्मयोग करिए, अर्जुन को कहा था। तो हमको इस अध्याय को कैसे याद रखना है? हमको इस अध्याय को याद रखना है 5S से। तो पहला S था सुपीरियरिटी ऑफ कर्मयोग, किस प्रकार से कर्मयोग श्रेष्ठ है भगवान ने बताया। तो अर्जुन कंफ्यूज मत हो जाना कि आपके लिए श्रेष्ठ क्या है, आपके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। दूसरा S था सिम्टम्स ऑफ कर्मयोगी, कर्मयोगी किस भावना में अपना आचरण करता है उसके बारे में हमने देखा। तीसरा S था सुप्रीम नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हमने देखा। चौथा S था सेल्फ रियलाइज्ड, माने जो आत्मसंतुष्ट व्यक्ति होता है, जिसने भगवान को जान लिया है, उसका बर्ताव कैसे होता है, किस प्रकार का आचरण करता है, वो हमने देखा। और आखिरी हमारा S था, वो था स्पिरिचुअल वर्ल्ड, माने आध्यात्मिक जगत। इस आध्यात्मिक जगत में कैसे जाना है उसके बारे में हमने चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग समझ में आया होगा। यदि पूरा नहीं परंतु तो एटलीस्ट कुछ अंशों तक तो समझ में आया होगा। सो नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल कि आप इन अध्यायों को सीखने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो हम कल पढ़ेंगे गीता का छठा अध्याय, जिसका नाम है ध्यान योग। तो किस प्रकार से ध्यान के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, वो भगवान छठे अध्याय में अर्जुन को बताते हैं। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा जपिए और हमेशा खुश रहिए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।